थैंक यू सो मच धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। 100 एपिसोड पूरे हो गए, कैसी फीलिंग है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप दोनों, इस समय क्या फील कर रहे हो? सुबह से ही जब मुझे याद आया कि पहले मुझे याद नहीं था, आई थॉट कि 20th को 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, मुझे किसी ने तो कहा था कि 20 तारीख को हो रहे हैं, बट मैंने सोचा नहीं 18 को हो रहा है, फिर मॉर्निंग में मैंने देखा और 100 पूरे हो गए और बहुत सारे मैसेजेस थे, तो वो एक्साइटमेंट लेवल ही यू नो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई कि आज तो बस हमारा दिन है, आज तो सेंचुरी मार दी है। बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि हमने 100 एपिसोड्स कंप्लीट किए, जैसे कि मैंने कहा था 50 एपिसोड्स में कि हमारी ये जो जर्नी थी पता ही नहीं चली, हम कितना स्मूथली निकल गई और यू नो दिन ऐसे निकलते गए कि पता ही नहीं चला, और ऐसा लग रहा है कि कल ही हमने 50 एपिसोड्स का केक काटा था, आज हम 100 का काट रहे हैं, तो ये जो एनर्जी हमारी सेट पे है और ये जो पॉजिटिव वाइब्स है जिससे हम इतना स्मूथली काम कर पा रहे हैं, टचवुड की कभी यू नो किसी की नज़र ना लगे और ये ऐसे ही चलता रहे, तो बस बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। बहुत ज़्यादा खुशी है, जैसे कि आयुषी ने बोला कि वक्त पता नहीं चला कहाँ गया, ये तो बोल रही कि अभी 50 हुए थे, मुझे लगता है कि अभी तो शो शुरू हुआ था, अभी 3-4 महीने 27th of June से मैंने शूट स्टार्ट किया था एंड 26th of July से शो टेलीकास्ट हुआ था, किस तरीके से 4 महीने बीत गए, 50 हो गए, 100 हो गए, एंड सबसे खुशी की बात जैसे मैंने पहले बोला कि नंबर वन रहते हुए हमने ये 100 एपिसोड कम्प्लीट कर रहे हैं, टाइम स्पैन हमारा बहुत ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, टीम बहुत अच्छी है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कोई एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, टीम पूरी अच्छी है, डायरेक्शन टीम से लेके हर एक शख्स से लेके ऐसा लगता ही नहीं है कि हम यहाँ पे शूट करने, हम काम पे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि यार हाँ हम अपने एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, और हर दिन हर रात में ये एक्साइटमेंट होता है कि अच्छा कल जाना है, कल सेट पर जाना है, ये सीन करना है, वो सीन करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी है एंड ब्लेस्ड फील करते हैं कि इतने प्यार के साथ हमने एक माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट किया है, और यस आपकी वजह से, यहाँ जो मीडिया है उस सबकी वजह से, क्योंकि आप भी हर दिन आते हैं, हमें कैप्चर करते हैं, कई देर हमारा इंतज़ार करते हैं, हम शॉट में होते हैं, आपको वक्त नहीं मिलता, हमें वक्त नहीं मिलता, आप इंतज़ार करते हैं, एंड यस जो इस कैमरे के पीछे हमें सब देखते हैं, क्योंकि अगर आप इतना प्यार नहीं देते तो ये नहीं हो पाता, हमेशा बोलता हूँ कि आप हैं तो हम हैं, दिल से शुक्रिया आप सबका, दिल से शुक्रिया। उस वक्त ऐसा नहीं सोचा था कि एकदम से यू नो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा प्यार मिल जाएगा, 50 एपिसोड्स में ही हमें बहुत प्यार मिला था ऑडियंस से, और ये नहीं सोचा था मैंने, मुझे लगा था कि हाँ ठीक है अगर पसंद भी आता है तो इट टेक टाइम, कोई भी शो को ग्रो होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती है, बट ऑलरेडी 50 में ही और 100 में ही इतना कुछ देखने मिल रहा है, तो उसके लिए मैं बस क्या बोलूँ, थैंक यू, जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मेरे लिए तो जर्नी ऐसी है ना कि मुझे तो अभी वो दिन याद आता है जब मेरे पास फ़ोन आ रहे थे फॉर कास्टिंग के, हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने 10 दिन तक फ़ोन ही उठाया था, मैंने कहा था नहीं करना मुझे यार अभी, नहीं ये वो ऐसा वैसा, मैं अपने मस्त सॉन्ग वॉन्ग शूट कर रहा था चंडीगढ़ में, वहाँ पर फ़ोन आया था, एंड देन फिर ऐसा हुआ, कहते ना कभी कभी कोई चीज़ जो आपकी नसीब में लिखा होता है वो कैसे भी करके ढूंढ डांड के आप तक वो पहुंच जाती है, रवि भाई मुझे बहुत फ़ोन कर रहे थे मैंने नहीं उठाया, एंड देन फिर एक दिन बात हो गई ऐसे, शो की स्क्रिप्ट सुनाई उन्होंने, अच्छा लगा, एंड लुक टेस्ट दिया, लुक टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट डे बोलते हैं फाइनल हो, तो मैंने कहा अरे फाइनल हो क्या मतलब, होते हैं हाँ फाइनल हो, हमें 26 को निकलना है हमें ऐसा वैसा, एंड देन आज ये दिन है कि हमने 100 कंप्लीट कर लिए एपिसोड, और किस तरीके से किए हैं ये आप सबको पता है कि इतना ज़्यादा पसंद किया है लोगों ने शो को, मुझे ऐसी उम्मीद थी लेकिन इतना प्यार मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग पसंद करेंगे, तो जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। हाँ तेरे वास्ते कुछ भी, और आई थिंक ये लाइन तो एक बहुत ऐसी लाइन हो गई ना कि यार अब अजू नहीं मतलब तेरे वास्ते कुछ भी, एंड वो जो हमारे मॉन्टाजेस वाला एक फोटो है, वो जो हमने सेकंड डे शूट किया था वो, एंड ये 50 एपिसोड नहीं, ये योगी सर के बर्थडे का ये 50 एपिसोड्स की पार्टी, वो भी बहुत हर एक मतलब उस दिन भी बहुत मजा आया था, हम एक दूसरे को सेट पे तो हम प्रोफेशनली काम करते ही थे, पर्सनली भी हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है हमने उस दिन, साथ में पार्टी की, और साथ में पार्टी करना इज लाइक तुम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हो, तो वो चीज बहुत मजा आया था, दैट वाज द बेस्ट थिंग। एक्चुअली अभी मैं गौर से देख रहा हूं तो लग रहा है कि हां यार वाकई में बहुत सारे मोमेंट्स हमने जिए हैं, बहुत मेमोरीज बन गई हैं, और बस इंशाल्लाह यही दुआ कि आगे भी ऐसी मेमोरीज बनती रहे। सबसे पहले क्या
सबसे पहले हमने मॉक शूट पे मिले थे, फर्स्ट डे हम लोग मॉक शूट पे मिले थे, एंड देन सेकंड हम मिले थे कहाँ पे, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो हम वो गुरुद्वारे नहीं, वाला नहीं, हम लोग मिले थे रीडिंग पे, नहीं सेट की बात कर रहे हैं, सेट की बात कर रहे हैं, गुरुद्वारे वाला सीन कर रहे थे, और सीन भी ऐसा था कि मैं सीधा आके बोल रही हूं शादी के लिए, हां हां वो इकट्ठे हमने 13 एपिसोड का पहला हम शूट कर रहे थे, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम मॉक शूट कर रहे थे तो मैं गया, एंड देन आयुषी वाज लाइक के ये हम लोग हॉस्पिटल में शूट कर रहे थे, तो आयुषी एक बैठी हुई थी, बहुत डरी सहमी सी, बच्चा नहीं होता कि हाँ यार बिल्कुल डरा सा, मैं स्क्रिप्ट पे जैसे हाँ पढ़ रही है ऐसे याद कर रही है, ऐसे पढ़ रही है ऐसे याद कर रही है, मैं देख रहा हूँ चलो ठीक है, मॉक शूट हुआ, ऑडिशन हुआ, सारी चीज़ें, और वो घर जाके भी मैंने ये बात की थी, इवेंट सेट पर भी मैंने ये बात की थी कि मेरे को लगता है अगर आप अजूनी देख रहे हो तो ये जाती है परफेक्ट, इवन घर पे ही मैंने बोला था कि आयुषी होगा जहाँ तक मुझे लगता है, और यही हुई, एंड देन हाँ खींच लो भाई तुम आराम से, एंड देन जब हम सेट पे मिले फर्स्ट डे तो इसका बिहेवियर ही लगता है बिल्कुल, हाँ नहीं इसका बिहेवियर लगता, तो मेरा लगा अच्छा मतलब अभी फाइनल होते ही टेंट्रम आ गए इंसान के अंदर, कि बिल्कुल ऐसे लगता है मेरे अंदर टेंट्रम्स होंगे, टेंट्रम्स किस में है ना, नहीं सब जानते हैं कि टेंट्रम्स मेरे अंदर नहीं है, बट होता है कि इंसान सही था उस टाइम पे, कुछ और मूड हो सकता है, कुछ और सिचुएशन हो सकती है, ये जस्ट आए और इन्होंने जज कर दिया आउट ऑफ नोवेयर, नहीं ऐसा होता है कि इंसान लुक टेस्ट में ऑडिशन में हमेशा थोड़ा नर्वस होता है, एंड जब सेट पे होता है थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट फील करता है, कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए तभी तो सीन अच्छा निकल के आएगा, हाँ तो मैंने सिर्फ बता दिया कि भाई मेरे को ऐसा फील हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।